हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। तो आज के दिन में मेरे पास कोई कहानी नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है बनाने का, लेकिन जो भी आज के दिन में होगा वो मैं आज बताता रहूँगा, चाहे कहीं भी जाऊँ, कहीं भी आऊँ या मौसम दिखाऊँ। तो आज सुबह सुबह अभी 5 बज रहे हैं और मैं आज जल्दी उठ गया हूँ, गलती से पता नहीं कैसे उठ गया हूँ, लेकिन मैं उठ गया। फिर मैंने कहा चलो फिर दिखा देते हैं फिर जो भी सीन है। तो आज अभी हो रही है बारिश और बारिश का थोड़ा सीन दिखाते हैं आपको। चलिए छत पे आधा घंटा रहने के बाद मेरे अंदर के अवैस ने बोला, भाई साहब ये किस लाइन में आ गया? भी बोला कि अवैस तुम्हें इतनी जल्दी उठने का हक किसने दिया, किसने दिया तुम्हें इतनी जल्दी उठने का हक? तो फिर मैं वापस सो गया और फिर मैं उठा 2 बजे। उसके बाद फिर मुझे घर से थोड़े से ताने मिले कि भाई अपनी बाइक है तुम्हारे पास, तुम्हें 70 दी हुई है, कभी धो लिया करो, कभी साफ़ कर लिया करो। तो फिर मैंने कहा चलो करवा लेते हैं साफ, करना नहीं है खुद, करवा लेते हैं साफ। बाइक धुलवाने के बाद मैं अपने लैपटॉप पर लग गया एज़ यूजुअल, 2-3 घंटे उस पर लग जाते हैं। और उसके बाद मैं अपने भतीजे को लेके पार्क गया, और क्योंकि छोटा है उसे खेलने का शौक़ है और मुझे नज़ारे देखने का शौक़ है, नेचर देखने का शौक़ है मेरा मतलब। पार्क से वापस आने के बाद मेरे पास कुछ ख़ास था नहीं, तो मैंने कुछ ख़ास रिकॉर्ड भी नहीं किया। और एक बात बतानी भी थी आप लोगों को कि मैंने जो पिछली वीडियोस पोस्ट की हैं, किसी में वॉइस का इशू है, किसी में वीडियो क्वालिटी का इशू है। एक्चुअली चैनल स्टार्ट है, नई नई चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं, सीखी हैं, वीडियो एडिटिंग सीखी है और भी बहुत चीज़ें सीखी हैं, एंगल्स कैमरा, मैं पहले इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए गलतियाँ हो जाती हैं। अब शुरू से कोई भी इंसान एक्सपर्ट नहीं होता है, इट टेक्स टाइम टू सेटल इन। तो इतनी मुझे, मैंने सोचा था कि मैं इतनी इंग्लिश बोलूँगा तो बस इतनी काफ़ी है। और कुछ लोग कहते हैं यार कि जल्दी से करो, जल्दी से अच्छी करो, मैं कह रही वक्त वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, पास नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त। मेरा एक्चुअली टिकटॉक अंदर का टिकटॉकर जाग उठा था, मैंने भी एक टाइम पे बड़ी टिकटॉक्स, तो क्योंकि मेरे से एक्टिंग थोड़ी अच्छी हो जाती थी तो मैं टिकटॉक भी काफ़ी टाइम यूज़ करता रहा। और फिर कुछ टाइम बाद टिकटॉक वालों ने कहा भाई निकल लो तुम पतली गली से, तो हम निकल गए। तो वैसे मैंने, मुझे काफ़ी लोगों ने ये भी बोला था कि यूट्यूब पर आने से पहले भाई तुम टिकटॉक स्टार्ट कर दो, कर लोगे तुम वो हो जाएगा, फेम मिल जाएगा। लेकिन मैंने कहा भाई हमें कोई फेम की ज़रूरत है नहीं है, हम ब्लॉगिंग से ही आगे जाएंगे, कैसा दिया नहीं जाए।
तो खैर यहीं तक थी मेरी आज का व्लॉग, सिंपल था, कुछ खास करने को नहीं था, तो मैंने फिर भी बना दिया। स्टोरी होती है भाई, सिंपल हो या तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैंने इन वीडियोज़ को एडिट करना है और उसके बाद आपको दिखा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।